तुम भी टॉपर बनना चाहते हो लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हो। तुम भी डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हो। तुम भी अपने माँ बाप का सर्व गर्व से ऊंचा उठाना चाहते हो लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हो। तुम भी अपने हेटर्स का जवाब टॉपर बनकर देना चाहते हो लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हो। तुम भी अपने एरिए का सबसे रईस इंसान बनना चाहते हो लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हो। तो मेरे दोस्त, मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। ना पढ़ने की प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारे पास नहीं बल्कि करोड़ों स्टूडेंट के पास सेम प्रॉब्लम्स है। वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, अपने बेड से उठ नहीं पा रहे, कॉपी पेन से दूर होते जा रहे हैं, आलस उसका बेस्ट फ्रेंड बन चुका है और बहाना उसका जीवन साथी। लेकिन यार एक बैड न्यूज़ भी है, ये वही लोग हैं जो राह चलते बेरोजगारी का टैग लेकर घूमते हैं। ये वही लोग हैं जो माँ बाप के ऊपर बोझ बन चुके हैं। और अफसोस कि तुम भी इन्हीं करोड़ों की भीड़ में खो जाने वाले हो। एंड जस्ट इमेजिन कि जो स्टूडेंट अपनी लाइफ को लेकर सीरियस है, जो 18-18 घंटे रगड़कर पढ़ते हैं, उनकी लाइफ कैसी होती है। बॉस यही वो बंदे होते हैं जो दुनिया को रूल करते हैं, यही वो बंदे होते हैं जो दुनिया पर राज करते हैं, यही वो बंदे होते हैं जो दुनिया को मुट्ठी में रखते हैं। और सलाह, डेली कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ते, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स ही पढ़ते हैं जो तुम पढ़ते हो। बट ये डिफरेंस क्या है इनमें और तुम में? बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं है। जब तुम इंस्टाग्राम पर रील देख रहे होते हो ना, वो यूट्यूब पे एजुकेशनल वीडियो देख रहा होता है। जब तुम अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करने में बिजी होते हो ना, वो अपने बुक्स में बिजी रहते हैं। जब तुम अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने में, गप्पे लड़ाने में बिजी रहते हो ना, तो वो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को डील कर रहा होता है। जब तुम आलस कर रहे होते हो ना, वो डंबल उठाकर खुद को पावरफुल बना रहा होता है। और जब तुम मोबाइल उठाते हो तो वो बुक्स उठाते हैं। कुछ डिफरेंट नहीं है, तुम भी कुछ ना कुछ कर रहे हो, वो भी कुछ ना कुछ कर रहा है। बट सबसे बड़ा डिफरेंट यह है कि कौन क्या कर रहा है। फाइनली तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें करोड़ों की भीड़ में शामिल होना है या सबसे अलग अपना साम्राज्य खड़ा करना है। अगर तुम चाहो तो इस टाइम ही करोड़ों की भीड़ से बाहर निकल सकते हो। हाँ, एकदम सही सुन रहे हो भाई, अगर तुम चाहो तो तुम अभी का अभी करोड़ों की भीड़ से बाहर निकल सकते हो। तुम्हें नहीं पता है कि कौन से क्लास में पढ़ रहे हो, कौन सा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तुम्हें बिल्कुल सही से पता नहीं है। मुझे सिर्फ ये पता है कि जो लोग पागलों की तरह 18-18 घंटे पढ़ रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने सपनों के लिए हाथ पार मेहनत कर रहे हैं, अपने माँ बाप के बारे में सोच रहे हैं, वो भी एक नॉर्मल इंसान ही है। उन्हें कोई वरदान नहीं मिला 18-18 घंटे पढ़ने का। और तुम भी एक नॉर्मल इंसान हो, बस उसके अंदर एक पागलपन है, जुनून है 18-18 घंटे पढ़ने की। तो तुम्हें भी इनका सीक्रेट पता चल गया ना, तो बस अड़ जाओ पागलों की तरह, भूल जाओ दर्द को और पीड़ा उठाओ किताबों को और रच दो इतिहास। भाई तुम क्यों भूल जाते हो कि तुम एक मिडिल क्लास और गरीब फैमिली में बिलोंग करते हो? क्यों भूल जाते हो कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे ऊपर कितनी उम्मीदें लगाए हुए? क्यों भूल जाते हो भाई कि तुम्हें इतिहास रचना है? क्यों भूल जाते हो भाई कि तुम्हें पावरफुल इंसान बनना है? जब तुम्हें पता है कि कॉपी पेन बुक्स ही तुम्हारी जिंदगी बदलेगी, तो इधर उधर क्यों भटक रहे हो मेरे चैंपियन? तो उठाओ किताबें और रच दो इतिहास। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो ने तुम्हारे सीने में आग लगा दी होगी। और वीडियो को लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब तो कर ही दोगे, मुझे पता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।